नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी कार्य की अनुमति दिए जाने के विरुद्ध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी एलोपैथिक चिकित्सकों ने शुक्रवार को हड़ताल करते हुए सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए एडीएम सिटी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा है। एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों ने आज सुबह 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक असहयोग कार्यक्रम में शामिल होते हुए सामान्य चिकित्सा सेवाएं ठप कर दी गई हैं, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी कोविड से जुड़ी सेवाएं चालू रखी गई हैं। इसके साथ साथ सभी डॉक्टरों ने अपने अस्पताल और क्लिनिकों की ओपीडी भी बंद रखी गई हैं। सरकार की नीति है सर, जो अरे ओ, गवर्नमेंट ने राणा जी GMS, अरे राणा जी आईडी लगा, आईडी आ रही है यार तुम्हें। यार हेडसेट क्या कर रहे हो, बता ना भैया प्लीज। गवर्नमेंट ने जो BMS जो डॉक्टर्स हैं सर, उनके उनको थोड़ा शॉर्ट टर्म कोर्स करा के सर उनको ये MBBS MS के बराबर ला रहे हैं सर। सर हम लोग इसके खिलाफ पिटीशन कर रहे हैं सर। हमारे किसी पैथी से कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि हर पैथी को सेपरेटली डेवलप किया जाए। अगर आयुर्वेद है, आयुर्वेद को अलग तरीके से होम्योपैथी के डॉक्टर अपने हाइट तक जाएँ, पूरा अध्ययन करें और उसमें पूरा मतलब वो लें, अपना इंटरेस्ट लें सर। हमारा किसी कर्ज के खिलाफ कोई विवरण नहीं है, हमारे जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ नहीं है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, IMA मुरादाबाद की सचिव। आज हमारा प्रदर्शन सरकार की नीति के खिलाफ है, जिसमें कि उसने आयुर्वेद डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, यूनानी आदि डॉक्टर्स को कुछ क्रैश कोर्स करा करके जो हमारे जो MD MS के समकक्ष लाने की जो नीति जो बनाई जा रही है, हम उसके खिलाफ अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसके पूर्णतः इसके खिलाफ है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि सर्जरी करने में सक्षम होता है, उसको तैयार करने में पूरे 12 से 15 साल लगते हैं। पहले वो MBBS करता है, फिर MD MS करता है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करता है। उसके अलावा कुछ वो ट्रेनिंग का अपना 2-3 साल ट्रेनिंग पूरी करके वो अपने आप को सक्षम पाता है कि अब वो अपने को मरीजों की सेवा करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। लेकिन उस 12-15 साल को हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स में, कुछ समय 6 माह या 1-2 साल के कोर्स में हम वो गुणवत्ता उस व्यक्ति में कभी नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नीचे के लेवल से नहीं है। और कुछ समय का क्रैश कोर्स देकर के ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि हम वो गुणवत्ता उस आयुर्वेदिक सर्जन में ला सकें। इसीलिए IMA पूर्णतः इसको अपोज करती है और आज इसीलिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं और हम विरोध कर रहे हैं। IMA इस बात का विरोध कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए। हर पैथी, हर विधि अपने आप में पूर्णतः सक्षम है, और जो लोग होम्योपैथिक पे विश्वास करते हैं उन्हें वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथी की दवाइयां दे रहा हो या एक एलोपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की दवाइयां दे रहा हो, तो वो विधा का अपना अलग महत्व है। अगर हम इन विधाओं को आपस में मिक्स कर देंगे तो किसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। भाई होम्योपैथिक, अगर कोई भी एक्यूट अगर कोई प्रॉब्लम है या मरीज ICU में एडमिट है, तो मेरे को नहीं लगता वो यूनानी पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति या होम्योपैथिक पद्धति से ठीक हो सकता है। उस समय उसे एलोपैथी ही ज़रूरत है। तो एलोपैथी इज मॉडर्न मेडिसिन है, और हम मॉडर्न को एंशियंट यानी कि पुरानी पद्धति से मिक्स नहीं कर सकते। पुरानी की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है, जैसे दादी नानी के नुस्खे बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्या सारी परेशानियाँ दादी नानी के नुस्खे से ठीक हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको हम किसी भी अन्य ब्रांच के साथ मिक्स करने के, ये प्रदर्शन आज 11 तारीख को सुबह 6 बजे से 12 तारीख की सुबह 6 बजे तक है, यानी कि पूर्णतः 24 घंटे का ये बंद है। इसमें हमारी जो रूटीन सेवाएं हैं, जिसमें OPD रहेगी, वो हम पूर्णतः बंद कर रखे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी जनता को इससे परेशानी ना हो, इसलिए जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं और कोविड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सब चालू रखी गई हैं। जी हाँ बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम किसी भी लेवल तक जाके और ये जो नीति बनाई गई है इसको हम ख़त्म करवा के ही मानेंगे।